हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ दो तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से पर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अब देखिए, ये मेरे पास बहुत ही प्यारा सा कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसको कट कर लिया, जितना भी निकला उस हिसाब से। अब देखिए, इसके लिए मैंने अस्तर वगैरह भी ले लिया है और एक साइड में मैंने केवल अस्तर लगाया है इसमें जो मोटा वाला हिस्सा है, और एक साइड में मैंने मैचिंग का कपड़ा लिया, ये ब्लाउज पीस में से बचा हुआ, उसमें अस्तर और फॉर्म लगा के रेडी कर लिया। और देखिए, इस तरीके से मैं इसमें सिलाई वगैरह लगा लूँगी। तो जैसे भी आप इसमें सिलाई वगैरह लगाना चाहो वैसे आप लगा सकते हो। अब देखिए, यहाँ से मैं 1 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगा रही हूँ पास में, क्योंकि मुझे यहाँ से इसे कट करना है। और फिर से मैं थोड़ा सा नीचे से लेते हुए एक और सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से कट करके हम इसमें जिप लगाएंगे। और चारों तरफ से मैंने सिलाई इसमें लगा दिया, जो हमने सिलाई लगाई थी पास पास वहाँ से ही हमें इसको कट कर देना है इस तरीके से। और देखिए, मैंने एक पाइपिंग ली है, पाइपिंग लगा लेनी है आपको इस तरीके से सीधी सीधी, और पीछे की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई के साथ में आपको जिप को भी अटैच कर देना है। अब देखिए, इधर भी हम एक तरफ जिप लगा लेंगे और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड में भी जो दूसरा हिस्सा है जिप का उसे भी अटैच कर देंगे सेम इसकी तरह। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने जिप को अटैच कर दिया। अब इसमें हमें रनर डाल देना है और एक एक सिलाई और लगा देनी है कपड़े को दबाते हुए। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी, अब इसमें मैं रनर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से रनर डाल दिया। अब इसके लिए हम डोरी बना के रेडी कर लेंगे। आप इसमें एक डोरी लगाना चाहो तो एक लगा सकते हो, नहीं तो दो भी लगा सकते हो, नहीं तो बिना डोरी के भी बना सकते हो। अब इस डोरी की लंबाई मैंने 10 इंच की ली है और इस तरीके से बीच में मैं इसे अटैच कर दूँगी। एक ही डोरी लगाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बीच में जिप नहीं आएगी, साइड में आ रही है इसीलिए। अब इस तरीके से बीच में डोरी को अटैच करते हुए आपको नाप लेना है और चारों तरफ से सेट कर देना है। तो देखिए, अब मैं इसमें साथ में आपको पाइपिंग लगाते जाना है और चारों तरफ सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, एक ही बार में चारों तरफ सिलाई लग जाएगी इस तरीके से। पहले आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है जब सिलाई लगानी है, तो एक ही बार में आपकी सिलाई परफेक्ट लगेगी। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना, सीधा कर लेना है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। और देखिए, ऊपर से आपको कोई भी फ्लावर वगैरह आप लगा सकते हो। तो देख सकते हो, बचे हुए कपड़े से हमने फाइबर का ये कपड़ा था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लिया जाए। और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, आप बच्चों के लिए आप या फिर अपने लिए भी बना सकते हो। तो चलिए, दूसरा आइडिया हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए, ये टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है। अब देखिए, इस टुकड़े का नाप है 20.5x9 इंच का। तो जितना भी आपके पास टुकड़ा पड़ा हो कपड़े का, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हो। इसके साथ में एक अस्तर लगाया हुआ है और ये मैं पॉकेट के लिए ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर से मैं इसको सिल दूंगी एक तरफ से, और एक तो मैंने उसी कपड़े में अस्तर लगा ही दिया है। तो ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिल दिया। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से ऊपर 1 इंच करीब ऊपर उठाते हुए आपको इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल देना है। तो ये अंदर की साइड में ही पॉकेट बन जाएंगी इसमें, जितनी भी बनानी हो। तो देखिए, 1 इंच छोड़ते हुए मैंने बनाया है और 5 इंच की इसकी चौड़ाई टोटल अब रह गई है। अब देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है आपको और यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद में बीच में देखिए, ऊपर की साइड में पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ साइड से, और इसका देखिए इस तरीके से बीच सेंटर निकालते हुए हम यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे बीच में बिल्कुल। तो दोनों ही तरफ मैं इसी तरीके से बीच में सिलाई लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए, जिप को मैं कट कर रही हूँ इसके बराबर, जिप लेते हुए इसके बराबर, और सिलाई आपको लगा देनी है सीधी सीधी, और ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है। तो देखिए, जिप के साथ में मैंने सिलाई लगा दी और दूसरी तरफ भी जिप को अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है दबाते हुए कपड़े को। इसमें हमने रनर डाल दिया है और इस तरीके से सीधा रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो देखिए, एक साइड, फिर नीचे की दूसरी साइड और फिर तीसरी साइड, इस तरीके से तीनों साइड में आपको सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से। सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको कट कर देना है। अब कट करने के बाद में यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1x1 इंच का, तो मतलब 1-1 इंच का आपका डुब्बा बना लेना है सिलाई को छोड़ते हुए।
इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद में कोने से कोना मिलाते हुए, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है सीधी सीधी। तो दोनों तरफ से हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे और ये हमारा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। आप इसमें मेकअप किट की तरह या फिर कोई भी सामान रखने के लिए यूज में ले सकते हो। तो चलिए मैं इसमें मेकअप का सामान रख के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए साइड में इसमें चार पॉकेट हो गई हैं और बीच में एक है, तो इस तरीके से पांच पॉकेट वाला ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर रेडी है। और गाइज आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।